गुड मॉर्निंग. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंडियन इकोनॉमी. चैप्टर इज रूरल डेवलपमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट. रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एक्शन प्लान फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. ठीक है. Anybody can say rural development means development of rural areas, but technically speaking, the proper definition which you should know is rural development is the action plan for the economic and social upliftment or development of rural areas. ठीक है. तो कौन से key areas हैं जो हम फोकस करते हैं रूरल डेवलपमेंट के में. नंबर वन इज डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सी, सबसे बड़ा हमारा एसेट जो है वो ह्यूमन बीइंग्स हैं. तो उन ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें डेवलप करना है. कैसे डेवलप कर सकते हैं? उनको लिटरेट करके, उनको हेल्दी बना के. ठीक है. सो वी हैव टू फोकस ऑन देयर लिटरेसी, मोर स्पेसिफिकली फीमेल लिटरेसी, क्योंकि इंडिया में लिटरेसी रेट कम है और फीमेल लिटरेसी रेट एवरेज लिटरेसी रेट से भी कम है. ठीक है. सो हमें लिटरेसी रेट बढ़ाना है, एडुकेशन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है, हमें हेल्थ के ऊपर फोकस करना है. हेल्थ में दोनों चीजें आएंगी, सैनिटेशन एंड पब्लिक हेल्थ. सैनिटेशन, ड्यू टू पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज रूरल पीपल दे जनरली गेट सिक. आप देखो, हम कहते हैं जलंधर में एशिया में नंबर मैक्सिमम हॉस्पिटल्स हैं, और अब किसी भी हॉस्पिटल में जाओ दैट उसकी जो रिसेप्शन एरिया है वो फुल रहता है पेशेंट से. और अगर आप कभी सर्वे करके देखो ना, तो मैक्सिमम जो है वो रूरल एरिया के लोग होते हैं. तो क्या रूरल एरिया के लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं? क्यों पड़ते हैं? क्योंकि उनका हाइजीन जो है वो अच्छा नहीं है. ठीक है. तो सैनिटेशन जो उनकी फैसिलिटी, सैनिटेशन सिचुएशन है, दैट इज रियली पुअर. तो इसीलिए हमें पब्लिक हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है. पब्लिक हेल्थ के ऊपर कैसे फोकस करना है? हमें उनको वैक्सीनेशन, चाइल्ड का बर्थ होता है तो फ्री वैक्सीनेशन हमें पोलियो, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इसके जितने भी वैक्सीनेशन है वो हमें करवानी है, ताकि बच्चों की डेथ ना हो. ठीक है. बच्चे हेल्दी रहें, और इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन भी हेल्दी रहे, या बाकी जनरल जो भी डिस्पेंसरी सेटअप करके पब्लिक हेल्थ को ठीक रखना है. एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली रिलेटेड टू हेल्थ. सो दैट्स हाउ वी हैव टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज. तो पहला पॉइंट क्या हो गया रूरल डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. सेकेंड इज लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि रूरल एरियाज जनरली एग्रीकल्चरल रिलेटेड होते हैं, और एग्रीकल्चर में जो रिलेशनशिप है बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, दैट इज डिफेक्टिव. ठीक है. तो इसी करके इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है. तो टू प्रमोट इक्विटी एग्रीकल्चर में, इक्विटी प्रमोट करने के लिए या इंसेंटिव देने के लिए टिलर को, हमें लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद इट, लेकिन काफी सारे एरियाज में ये सक्सेसफुल इनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं रही है. बेटे, कानून बनाने में और कानून एक्चुअली में इम्प्लीमेंट होने में फर्क रहता है. ठीक है. हम कितनी बारी सुन चुके हैं कि प्लास्टिक बैग्स बैन हो जाने, प्लास्टिक बैग्स हम यूज नहीं कर पाएंगे, गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, बट स्टिल दे आर प्रेवलेंट. ठीक है. तो कानून बनना और कानून इम्प्लीमेंट होना, तो इसी तरह लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. देन देयर इज नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ ईच लोकैलिटी. आज तक हम रूरल एरिया में एक ही प्रोडक्टिव रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर पाए, क्या? लैंड. लैंड हमारा फर्टाइल है, इसके ऊपर खेती बाड़ी करो, और कोई प्रोडक्टिव रिसोर्स ही नहीं है. बट नाउ देयर इज अ नीड टू डेवलप प्रोडक्टिव रिसोर्सेज. कौन कौन से हो सकते हैं प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, और क्या पोटेंशियल है रूरल एरियाज में? हाँ, ओके. और
ठीक है, इवन टूरिज्म, उसको एज अ टूरिज्म वी कैन प्रमोट, एज अ टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, उसको एज अ टूरिस्ट एरिया डेवलप करो, उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, तो वो भी एक प्रोडक्टिव रिसोर्स क्या है, जिससे इनकम बढ़ती है, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी हर एरिया में जो पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर करें, ठीक है, उसको डेवलप करें। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रूरल एरियाज में, एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, उनके रोड्स जो हैं वो डेवलप करो, तो कंस्ट्रक्शन जो विलेज के रोड्स हैं, विलेज के अंदर वाले रोड्स हैं वो, और फीडर रोड्स किसको बोलते हैं, जो हाईवे को की तरफ जाते हैं, ठीक है, एक गांव से आप हाईवे की तरफ आ रहे हो वो फीडर रोड है, ठीक है, उनको डेवलप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर बेटे इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी आती है, जितनी ज्यादा एग्रीकल्चर में रिसर्च होगी उतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उतनी हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, हमारा एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन भी एग्रीकल्चर सेक्टर का बढ़ेगा, ठीक है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेशल मेजर्स टू बी टेकन फॉर पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी को आज भी रूरल एरिया में पॉवर्टी अर्बन एरिया से ज्यादा है, तो उस पॉवर्टी को हमें दूर करने के लिए मेजर्स उठाने चाहिए। ये आगे हमारे की एरियाज ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट बेसिकली फोकस करता है जिन एरियाज के ऊपर, उनमें से मेनली अगर हम ब्रॉडली देखें तो कुछ इश्यूज जो हैं वो लिंगरिंग हैं और कुछ इश्यूज एमर्जिंग हैं। लिंगरिंग इश्यूज मतलब सदियों से वो इश्यूज ही रहे हैं, वो हमारे सामने अभी भी चैलेंज की तरह है, उनको हम ओवरकम नहीं कर पाए। व्हाट आर दोस? रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, बट सम हैव एमर्ज्ड रिसेंटली। व्हाट आर दोस? ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, बाकी तीनों हम इश्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिंगरिंग इशू विच इज क्रेडिट। क्रेडिट ग्रोथ ऑफ अ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल फ्रॉम टाइम टू टाइम। किसी भी सेक्टर की डेवलपमेंट बेटे कैपिटल के ऊपर डिपेंड करती है। आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट किया, आपका बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन अगर आप उसको टाइम टू टाइम उसमें ग्रो नहीं करोगे, उसको डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, है ना, तो आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, जितना मर्जी सक्सेसफुल क्यों ना हो। तो मतलब कैपिटल को इन्फ्यूज करना टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब रूरल एरियाज में क्रेडिट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि रूरल एरियाज में जेस्टेशन लैग बहुत ज्यादा है। व्हाट इज जेस्टेशन लैग? सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का गैप। इसका एक और नाम है फ्रूशन लैग। फ्रूशन वर्ड कहां से बना है? फ्रूट से बना है। आज बीज बोया, 8 साल बाद फ्रूट मिला, तो बीच वाला गैप फ्रूशन गैप या जेस्टेशन लैग, ठीक है। अब एक फार्मर की बात करते हैं, अक्टूबर में वो वीट का सीड सो करता है और अप्रैल में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। इस टाइम पीरियड में इसको अपना फैमिली का पेट भरने के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है, और इनपुट्स खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए भी उसको पैसे चाहिए। अब आप बोलो मैम इतने पैसे तो उसके पास होते होंगे, उसने पिछले साल कमाया है। तो बेटे इंडिया में मेजॉरिटी फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं, वो जितना बेचते हैं, अब अप्रैल में जितनी उसकी हार्वेस्टिंग हुई, क्रॉप की प्रोडक्शन हुई, बेचा, उसको बेच के जितने पैसे आए, ठीक है, उससे उसने एक तो अगले साल के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है और अपनी फैमिली, उसने पिछले कुछ कर्जे लिए हुए थे वो चुकाने हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उसी में उसके सारे खर्चे निकल जाते हैं और उसको और पैसों की जरूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर खरीदने के लिए, इंसेक्टिसाइड खरीदने के लिए उसको पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दो कारण हो गए, एक स्मॉल फार्मर है इंडिया में और उनका मार्केटेबल सरप्लस बहुत कम होता है, दूसरा सोइंग और हार्वेस्टिंग सीजन में गैप जो है वो ज्यादा होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस के टाइम पे मेन सोर्स क्या था क्रेडिट का? मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स।
why is that so risky? They would exploit the farmers. एक वो उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते थे, दूसरा उनके अकाउंट्स मैनिपुलेट करते थे, क्योंकि किसान तो अनपढ़ है, वो तो जैसे ही पैदा हुआ उसने खेतों पे काम करना शुरू कर दिया, उसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है। तो ट्रेडर्स उसके अकाउंट्स को, मनी लेंडर्स उसके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करते थे और उसको डेट ट्रैप में फंसा देते थे। 1969 में, ये आपने कौन सा ईयर याद रखना है, 1969, अ मेजर चेंज अकर्ड, ठीक है, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड सोशल बैंकिंग एंड मल्टी एजेंसी अप्रोच। कौन सी अप्रोच? मल्टी एजेंसी अप्रोच। दिस वॉज स्टार्टेड सो दैट फार्मर्स कुड मीट देयर क्रेडिट नीड्स एडिक्वेटली, ठीक है। उसके बाद 1982 में नबार्ड सेटअप किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। ये एक एपेक्स बैंक था, इसका पर्पस क्या था, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्ड इन रूरल क्रेडिट। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस रूरल क्रेडिट में इन्वॉल्व्ड है उनकी एक्टिविटीज को कौन कोऑर्डिनेट करता था, नबार्ड कोऑर्डिनेट करता था, ठीक है। सो अगेन द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज अ हार्बिंजर ऑफ मेजर चेंजेस इन द क्रेडिट सिस्टम as it led to the diversification of portfolio of rural credit towards production oriented lending. Green revolution ek landmark thi, theek hai, jisme humne jo rural credit ka portfolio tha wo diversify ho gaya. Portfolio matlab jaise aap kahan kahan se kitna credit lete ho. Earlier you used to take credit from money lenders. Now people started taking credit from banks, ठीक है, other institutions, cooperative societies, यानी formal sources of credit. और moreover अब production oriented credit हो गया, पहले farmers लेते थे अपना consumption needs fulfill करने के लिए, now they started taking loans to fulfill their productive needs, ठीक है। So आज जो हमारा दो तरह के structure हो गए, sources जो होते हैं credit के, कौन कौन से होते हैं, money lenders, ट्रेडर्स, बिग फार्मर्स, मर्चेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसमें जो मैंने पहले वाले बोले वो सारे कौन है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, मनी लेंडर, ट्रेडर, महाजन्स, मर्चेंट्स, बिग फार्मर्स, ऑल दीज आर नॉन इंस्टीट्यूशनल इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। Because these are not supervised by any regulatory authority, ये अपनी मन मर्जी से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, और उनके अकाउंट्स मैनिपुलेट करते हैं। In contrast to this, commercial banks, cooperative societies, these are formal sources of credit. 1969 में मल्टी एजेंसी अप्रोच स्टार्ट की गई, यानी नई नई इंस्टीट्यूशंस, RRBs, regional rural banks, then land development banks, these were set up so that farmers have can fulfill their credit needs through these multi agencies, theek hai। To aaj jo hamara institutional banking system hai usme multi agency institutions aati hain, jaise ki commercial banks, RRBs, cooperatives and land development bank. These are expected to dispense adequate credit at cheaper rate of interest. तो कोई भी farmer credit लेना चाहता है वो ये सोच के जाता है cooperative society के पास या RRB के पास कि एक उसको loan मिल जाएगा, जितना उसको चाहिए उतना मिल जाएगा, time जिस time पर चाहिए उस time पर मिल जाएगा और कम rate of interest पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले उनको जाना पड़ता था लैंडलॉर्ड के पास, मनी लेंडर के पास, जिनको हम बनिया, अगर आप पुरानी हिंदी मूवीज देखो तो बनिए वो बड़े बड़े बही खाते लेके बैठे होते थे, उनका काम ही ये था मनी लेंड करना। तो बिकॉज एट दैट टाइम फार्मर्स हैड मोर फेथ ऑन देम कि मैं जब भी जाऊंगा मेरे को जितना भी पैसा चाहिए होगा ये मेरे को दे देगा, सो दे वुड गो टू देम। लेकिन आज यही कॉन्फिडेंस
फार्मर का बैंक्स आरआरबीज के ऊपर आ गया है, ठीक है। सो इसलिए अब फार्मर की जो मैक्सिमम क्रेडिट नीड्स हैं, दीज आर फुलफिल्ड बाय फॉर्मल सोर्सेज। सो रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दे हैव इमर्ज्ड टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में कोई गैप्स थे, गैप्स ये थे कि आपको छोटी अमाउंट का लोन चाहिए, है ना, और आप इतना इंटरेस्ट भी नहीं अफोर्ड करते हो, इस तरह के गैप्स। या एक वुमेन है, वो नया काम खोलना चाहती है, उसको आरआरबी लोन नहीं देगा। ये गैप्स जो थे देवर नाउ फिल्ड इन बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सो पता है आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल 15 to 20 स्मॉल सेविंग्स करते हैं डेली, उसको इकट्ठा करके एक अकाउंट खोल लेते हैं, उसको एज अ कोलेटरल रख के बैंक से लोन ले लेते हैं और अपने मेंबर्स की क्रेडिट नीड्स फुलफिल करते हैं। सो दे प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रमोशन। थ्रिफ्ट मतलब स्मॉल सेविंग्स। वैसे थ्रिफ्ट का लिटरल मीनिंग होता है कंजूसी जैसे, तो आप कंजूसी करोगे तभी तो सेविंग होगी ना बेटे। छोटी छोटी चीजें आप सेव करोगे या अपनी डिमांड्स पोस्टपोन करोगे तभी आप सेव कर पाओगे, ठीक है। सो दे प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शंस बाय मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी पीपल टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट। तो एक वुमेन है, उस दिन के 10-10 रुपए सेव करके सेल्फ हेल्प ग्रुप में कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, 10 महीने बाद वो कहती है मेरे को एक स्विंग मशीन खरीदनी है जो 5,000 की आएगी, तो आप उसको 5,000 अपने उसमें से पूल्ड रिसोर्सेज में से दे देते हो, और वो कहती है कि मैं महीने के 500 रुपए रीपे कर सकती हूँ, यानी मैं 10 महीनों में अपना ये 5,000 का लोन चुका सकती हूँ। तो आपने उसको 5,000 का लोन दे दिया, ठीक है, टू बी रीपेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, ये भी फिगर देख लो, बाय मे 2019 नियरली 6 करोड़ वुमेन इन इंडिया हैव बिकम मेंबर ऑफ 54 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। कितनी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं? 54 लाख, और इसमें कितनी मेंबर्स हैं वुमेन? 6 करोड़ वुमेन आर मेंबर ऑफ 54 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। देन अबाउट रुपीज 10 to 15,000 पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अनदर 2.5 लाख पर सेल्फ हेल्प ग्रुप एज अ कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड आर प्रोवाइडेड। बेटे ये भी देखो, CISF ये है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप में से 10 से 15,000, ठीक है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड को प्रोवाइड किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? एज ए रेनोवेटिंग फंड टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर इनकम जनरेशन। कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहता है तो हर सेल्फ हेल्प ग्रुप CISF में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ फंड है, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड। सो इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप योर ओन बिजनेस, यू कैन गेट फंड्स फ्रॉम दिस CISF। तो ये जो क्रेडिट प्रोविजंस हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको हम कहते हैं माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स। क्या कहते हैं? माइक्रो मीन्स स्मॉल लेवल पे ये छोटे छोटे क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। सो दे ऑल्सो हेल्प इन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। इट इज अलेज्ड दैट द बोरोइंग्स आर मेनली कन्फाइंड टू कंजम्पशन पर्पस। वाई आर बोरोइंग्स नॉट स्पेंडिंग फॉर प्रोडक्टिव पर्पस? ये एक डिबेट है कि कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बोरोइंग्स हैं वो जनरली कंजम्पशन पर्पस के लिए की जाती हैं, तो ये प्रोडक्टिव के लिए क्यों नहीं की जाती? सो दिस इज अ डिबेट।
अभी अगर तो आपका सब्जेक्टिव होता तो मैं इसको फर्दर ऑन कर देती, ठीक है, अभी के लिए हम इसको छोड़ देते हैं फिर। ओके, सो उसके बाद बेटे इसका अप्रेजल है कि इसकी क्या क्या लिमिटेशंस रही हैं, क्या क्या इसका पॉजिटिव इफेक्ट रहा है। तो रूरल बैंकिंग क्योंकि एक्सपैंड हो चुकी है, मल्टी एजेंसी अप्रोच रही है, और आरबीआई और नबार्ड भी बैंक्स को इनकरेज करता है रूरल एरियाज को क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए। तो यस, इट हैज बीन सक्सेसफुल, इट हैज हेल्प्ड द फार्मर्स टू अवेल सर्विसेज एंड क्रेडिट फैसिलिटीज। ग्रीन रेवोल्यूशन तभी पॉसिबल हो पाई, ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लाइड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। डिड इंडियन फार्मर्स हैव मनी टू बाय दीज इनपुट्स? नो, सो इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज दे वर प्रोवाइडेड लोन। ठीक है, सो जिस करके हमारी कंट्री में फूड सिक्योरिटी भी हो गई। ठीक है, सो लेकिन कुछ इसकी ड्रॉबैक्स भी हैं। क्या ड्रॉबैक्स रही? क्रिटिकली अप्रेज करना है ना हमने इसको। सो लोन की रिकवरी नहीं हो पाती, फार्मर्स दे आर अनेबल टू पे द लोन, तो इसीलिए बैंक्स हेजिटेट करते हैं उनको लोन देने में। फिर गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल इश्यूज देखते हुए, अपना वोट बैंक देखते हुए कर्जे माफ कर देती है फार्मर्स के। सो एट दैट टाइम वी फील वेरी हैप्पी कि हाँ जी गवर्नमेंट ने, या ये गवर्नमेंट आई है इसने बिजली सस्ती कर दी, ये गवर्नमेंट आई है इसने किसानों के वो माफ कर दिए, कर्जे माफ कर दिए। बट जस्ट गिव अ थॉट टू इट, गवर्नमेंट ये जो फैसिलिटीज दे रही है अपनी तरफ से नहीं दे रही, ये हमारा पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। सो वी शुड हैव अ से इन दिस। रिसेंटली अ मूवमेंट हैज बीन स्टार्टेड कि टैक्स पेयर्स दे शुड फॉर्म देयर ओन यूनियन, एक उनको अपनी बनानी चाहिए, एक मूवमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। जिस तरह से हमने 10th में पढ़ा था ना कि कंज्यूमर एक्सप्लॉयट हो रहा था, तो कंज्यूमर्स ने मूवमेंट बनाई तो कोपरा एक्ट पास हो गया। इसी तरह वो कहते हैं टैक्स पेयर्स अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि गवर्नमेंट कोई भी नई स्कीम इंट्रोड्यूस करती है वो उस ऑर्गेनाइजेशन से पास होके होनी चाहिए, बिकॉज बेसिकली इट इज द टैक्स पेयर्स मनी विच इज बींग यूटिलाइज। तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना वोट बैंक अट्रैक्ट करने के लिए कोई नई स्कीम, कोई नया रिबेट अनाउंस कर देती है। ठीक है, सो ये इसमें एक ड्रॉबैक है रूरल क्रेडिट का कि बैंक्स फिर हेजिटेट करते हैं लोन देने में क्योंकि गवर्नमेंट उनके कर्जे माफ कर देती है। कई बार फार्मर्स डेलिबरेटली अपना कर्जा नहीं पे करते, उनको पता है अब इलेक्शंस आने वाले हैं, गवर्नमेंट ने कर्जा माफ कर देना, तो सफरर कौन बनते हैं? बैंक्स बनते हैं बेसिकली। सो जो हमारे रिफॉर्म्स हुए थे उसके बाद से रूरल बैंकिंग की एक्सपेंशन और प्रमोशन को थोड़ा सा सेटबैक लगा है, क्योंकि जितने भी जो भी रिफॉर्म्स थे 1991 के, देवर प्राइमरली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो रिसेंटली लेकिन गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम जन धन योजना, इसमें बैंक अकाउंट होल्डर्स 1 रुपए से भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं, और जिन जिन का अकाउंट है उनको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं है, और उनको 1 से 2 लाख तक की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज और 10,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। उनकी वेजेस, उनकी ओल्ड एज पेंशन, उनकी जो सोशल सिक्योरिटी है, दैट इज क्रेडिटेड टू दीज अकाउंट्स। ठीक है, सो ये जन धन योजना, 40 करोड़ पीपल, मोर देन 40 करोड़ पीपल हैव ओपन बैंक अकाउंट्स, और गवर्नमेंट ने भी 1,40,000 करोड़ रुपए इन बैंक अकाउंट्स के थ्रू इकट्ठे करे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बेटे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इज अनदर लिंगरिंग इशू जो हमारे आगे अभी तक चैलेंज बना हुआ है रूरल एरियाज में। व्हाट इज एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? मार्केटिंग डज नॉट ओनली मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स,
agricultural marketing is a wider term. It encompasses all the activities starting from gathering of the produce, ठीक है, produce को इकट्ठा करना, assemble करना, उसको store करना, उसकी processing करना, उसकी grading करना, उसकी packaging करना, उसकी transportation करना और ultimately उसको customer तक पहुंचाना. All these activities are involved in agricultural marketing. Gathering the produce, storage, processing. Processing समझते हो? जैसे rice होता है, जब rice की को हम निकालते हैं खेतों में से तो it is with husk. Husk के साथ covered होता है, ठीक है? तो उसको rice के grain को husk में से निकालना. That is kind of processing. फिर उसकी grading करना. अलग अलग क्वालिटी का राइस होता है, ठीक है, उसको सेपरेट आउट करना, हर एक को ग्रेड करना अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स. तो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की प्रॉब्लम क्या रही है? डिस्ट्रेस सेल, दिस हैज बीन द मेजर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर. व्हाट डू यू मीन द डिस्ट्रेस सेल? Forcibly अपनी आउटपुट को कम प्राइसेस पर बेचना. ऐसा कब होता है? जब फार्मर ट्रेडर से कर्जा लेता है, ठीक है, इंटर रिलेटेड है क्रेडिट और मार्केटिंग. ट्रेडर से आपने कर्जा लिया, ट्रेडर क्यों देगा आपको? वो कहता है कि ठीक है, मेरे से ले ले, 1 लाख रुपए चाहिए 1 लाख ले ले, 2 लाख चाहिए 2 लाख ले ले, लेकिन तेरी जो प्रोडक्शन है वो तूने मुझे बेचनी. फार्मर मार्केट तक नहीं पहुंच पाता, उसको ट्रेडर को ही अपनी प्रोड्यूस बेचनी पड़ती है और ट्रेडर उसकी मजबूरी का फायदा उठाता है, उसको मार्केट से कम रेट पे उससे प्रोक्योर कर लेता है. इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस सेल. इसको वो कैसे अवॉइड करे? उसको लोन की जरूरत है तो इसीलिए वो इसको अवॉइड नहीं कर पाता, ठीक है? तो डिस्ट्रेस सेल एक प्रॉब्लम है. और दूसरी प्रॉब्लम्स ये हैं कि रूरल एरियाज में रेगुलेटेड मार्केट्स की कमी है, ठीक है? तो इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स उठाए हैं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को इम्प्रूव करने के लिए. फर्स्ट बीइंग रेगुलेशन, रेगुलेटेड मार्केट्स. यू नो व्हाट आर रेगुलेटेड मार्केट्स? Which are supervised by marketing committees. Market committee, government ने एक body बनाई जिसमें farmer के representative, commission agent के representative, government के representative सब member होंगे. ये committee ensure करती है कि market में कोई unfair activities नहीं हो रही. अगर कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी नहीं होगी तो मैं एक कमीशन एजेंट हूं, मेरे पास आप अपनी प्रोड्यूस लेके आए, मैंने आपका 100 क्विंटल की वीट है, मैंने मैनिपुलेट करके बोल दिया ये 90 क्विंटल्स है, मैंने आपको 90 के पैसे दे दिए, ठीक है? लेकिन अगर मेरे ऊपर कोई सुपरवाइजरी अथॉरिटी है और मुझे कहा गया है स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स यूज करने को, आजकल मंडीज में साइंटिफिक वो लगे हुए हैं मीट्रिक जिसके ऊपर आप वेट कराते हो इंडिपेंडेंट एजेंसी से, तो आप वेट करा के आओ, आप मेरे को स्लिप दे दो ये 100 क्विंटल्स है, मेरे को 100 क्विंटल का देना पड़ेगा, कोई स्कोप ही नहीं अनफेयर एक्टिविटी का. फिर इसी तरह जो रेट मैं चाहूं तो मन मर्जी के रेट आपको देती रहूं, लेकिन क्योंकि मेरे ऊपर सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, मार्केट कमिटी है, तो मुझे आपको जो मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रहा है वही देने पड़ेंगे, ठीक है? तीसरा, आप बेटे जो मंडीज है ना एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का बिजनेस ऐसे चलता है, फार्मर कमीशन एजेंट के पास लेके आते हैं, कमीशन एजेंट आगे सेलर को आगे बेच देता है, ठीक है? तो जिस रेट पे बिका, डेली का रेट अलग होता है, तो मैंने मुझे उसमें से क्या रखना है? कमीशन.